यार आज फिर से हम लोग इधर आ गए एक नू वर्सेस प्रो के चैलेंज में और हमको मेयर ने वापस से बुलाया। और एक मिनट यार, तुम लोग भी क्रिएटिव में हो क्या? यार मेयर ने क्रिएटिव में भेजा है हम लोगों को। मेयर पागल हो चुका है भाई। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, हम लोग क्रिएटिव में कैसे आ गए? और एक मिनट, मेरे पास एक वुडन एग्स भी है और तुमको पता है कि हमको इस बार क्या बनाना है? यार मुझे क्या पता यार भाई, वही फालतू सा कोई आइटम। यार फालतू सा नहीं, इस बार हमको सीधा अर्थ सामान बनाना है भाई, राउंड स्ट्रक्चर में पूरा प्लैनेट बनाना है जिसके अंदर एक अच्छा सा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। इसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं यार, हो जाएगा, टेंशन मत ले, बहुत बनाया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, स्टार्ट करने पहले इधर आओ जल्दी से, ये चेस्ट के अंदर कुछ अच्छे सामान रखे हैं। और एक मिनट यार, यहाँ पे वो भी नहीं है भाई, साइन बोर्ड जिसके अंदर टाइम लिखा रहता था। अनलिमिटेड टाइम मिला है क्या हमको? अनलिमिटेड भाई, अनगिनत टाइम मिला है। जान दो यार अपना सामान उठाओ, क्रिएटिव में यार, तो हमको तो क्यों चाहिए सामान? यार सामान चाहिए ना भाई, शायद इतना ही यूज करना है हमको। मुझे मेयर ने बताया था यार, हर चेस्ट है यहाँ पे, वहाँ पे भी चेस्ट है सेकंड वाले बिल्ड के लिए, और यहाँ पे सबसे पहला बिल्ड है। तो मैं तो सोच रहा हूँ यार, हम लोग इसको छोटा सा बनाते हैं क्योंकि दो ही चीज मिली है सिर्फ। और यहाँ से हमको ग्रास मेरे पास पहले से पड़ा है, तो एक काम करते हैं, राउंड बनाते हैं यार सबसे पहले। तो एक काम करो यार, यहाँ से बनाना चालू करो एक पूरा गोल। यार ये फ्लिक क्या कर रही है, देखो भाई गरीब तो है ही शक्ल से, ये देखो। अरे तो करना क्या है भाई, बिल्ड बना रहे हो तो यार भाई। और अगर हम अगर हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोग का। यार वो छड़ी मेरे पास भी है, ये देख ऐसे करते हैं, इसको कुछ भी नहीं पता भाई दुनिया का। भाई अबे ये क्या बन गया भाई, प्लेनेट बन चुका है हमारा। यार ये सही है, अच्छे साइज का बनाया तूने, पहला वाला बिल्डिंग हमारा बहुत बड़ा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग खोदते हैं जल्दी से और एक एंट्रेंस बनाता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद अरे पीछे से मत बना यार, हमको ये डायरेक्शन से बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी से मैं सीढ़ी लगा देता हूँ। और शायद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी मेयर का मैसेज आया था। और तू क्या कर रहा है भाई ऊपर? भाई डिजाइन भी तो बनाना पड़ेगा ना। ये डिजाइन बना रहा है कोई, तो यार ऐसा डिजाइन बनाना जिससे मेयर खुश हो जाए। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपना स्टेयर्स बना देते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ना थोड़ा बहुत एरिया बना देता हूँ आड़ा तिरछा, और जिसके अंदर हम लोग लगाएंगे TNT। भाई पहला बिल्डिंग बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और राहुल टाइम पास मत कर, जल्दी जल्दी काम कर। अरे क्या बात कर रहा है भाई, देख मैं तो यहाँ पे बहुत काम करो यार। तो एक काम करता, यहाँ पे ना मैं बहुत सारे TNT डाल देता हूँ भाई। कहाँ पे डालेगा और प्रेशर प्लेट के साथ डालना? वैसे नीचे कुछ काम नहीं आने वाला है, लेकिन सही है यहाँ पे मैं बाउंड्रीज नहीं लगाऊंगा। अगर भर भर के यहाँ से अगर पूरे ज़ॉम्बीज़ लोग आए ना, तो कुछ लोग यहाँ पे गिरेंगे और सीधा ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। और यार आराम से लगा, नहीं तो यार अगर अभी ब्लास्ट हो गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम लोग। और यहाँ से मैं थोड़ा आड़ा तिरछा और रास्ता बना देता हूँ, जिससे यार पूरे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर के मर जाए। भाई ये इतना आड़ा तिरछा तो वो लोग नहीं जा पाएंगे और हम लोग तो यहाँ से भाग जाएंगे। और यहाँ से मुझे जाने का रास्ता ही बनाना पड़ेगा हमारे लिए। और यार शायद हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 30 सेकंड है। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे खोलता हूँ और ये पीछे का रास्ता खुल गया, यहाँ से हम लोग कूद के बच तो भी जाएंगे। चलो ये अच्छा है। और पूरे TNT तूने लगा दिया, तो इस पे प्रेशर प्लेट हम लोग बाद में लगाते हैं, नहीं तो अभी ये फूट जाएगा थोड़ी देर में। और चल बाहर चल भाई, बाहर चल, यहाँ पे टाइम हो चुका है यार, हमारा टाइम अप हो चुका है। और एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, ये क्या है भाई, मेयर का साइन तूने इतना बड़ा बना दिया यार। ये तो तूने बहुत अच्छा बनाया, मेयर पूरा खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी साइन है। अरे भाई लेकिन है क्या भाई, यार मुझे रोज सब लोग देखते हैं ये भाई, मेयर का साइन है पूरा। वो बन चुका भाई एल वाला प्लेनेट, वही तो यार एल प्लेनेट है। तो एक काम करते हैं, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे बीच बीच में ना, मैं जल्दी से पूरे TNT लगा देता हूँ, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट भी लगा देता हूँ मैं। और यार भाई तू क्या टाइम पास कर रहा है यार, तू काम कर बाहर आ यार, यहाँ पे बस 8 सेकंड बाकी है यार, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे यार और यार यहाँ पे हम लोग के और भी पॉइंट कम होने वाले यार, निकल गया मैं। और भाई खतरनाक दिख रहा है यार हमारा बेस। यार ये वाला बेस तो हमारा बन चुका है, अब जल्दी से सेकंड वाले बेस पे चलते हैं और देखते हैं यार यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है। तो चलिए ये सब फालतू की चीजें निकाल के रखता हूं मैं। यार ऐसे 3 बेस करने पड़ते हैं ना हमको, और इस बार शायद यहाँ कुछ आएगा। यहाँ पे भी सेम है यार, नहीं यार एक मिनट भाई, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, लेकिन एक मिनट हम लोग का, लेकिन वही तो यार मुझे लगता है कुछ भी यूज कर सकते हैं सेकंड वाले में, शायद ऐसा हो सकता है यार, क्योंकि यार पिछले बार ना हमने बहुत सारी चीजें यूज करी थी यहाँ पे सेंट्री वेंट्री। तो एक काम करता हूँ यार डैश, तू जल्दी से सबसे पहले पूरा स्ट्रक्चर बना दे एक बड़ा सा, और इस बार थोड़ा कलरफुल बनाना भाई। यार ऐसा लगना चाहिए कि एक अर्थ है और बहुत बड़ा बनाना भाई, पूरा एरिया कवर कर ले यहाँ का। अर्थ नहीं भाई मार्स बनाता हूँ। अरे मार्स बना दे ये भी ठीक है, लास्ट वाले में हम सबसे बड़ा अपना अर्थ बनाएंगे। यार टेंशन मतलब मैं बना दूंगा, ये देखो मार्स बन गया इधर भाई। अरे यार टाइम तो लगता है ना, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, ये देखो यार ये सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है यार, वही तो यार ये वाला मार्स बहुत सही दिख रहा है। और एक काम करते यार, हम लोग सेंट्री वेंट्री लगा देते क्योंकि मेयर ने हमको क्रिएटिव में डाला, शायद हम लोग सच में कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं जल्दी से खोदो, हम लोग एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक इधर से आड़ा तिरछा मुड़ा हुआ, जो कि यार बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और तुम लोग यहाँ से सीढ़ी बना दो यार, मैं तब तक यहाँ पे अंदर का काम करता हूँ कुछ। यार एक काम करते हैं, इस बार यार ऊपर से नहीं बनाते, हर बार सेम क्यों बनाना, इस बार हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है यार जल्दी से यहाँ पे हम लोग एक पार्कोर भी बिल्ड करते हैं यार, वही पार्कोर से यार यहाँ पे पूरा घुमा घुमा के ना आधे ज़ॉम्बी इधर ही मार देंगे। और मैं क्या बोलता हूँ ना, एंट्रेंस पे भी एक एरिया बना दो, स्टार्टिंग में हम लोग माइन रखेंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत अच्छे कंपनी के माइंस है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऑब्सीडियन उठाता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्सीडियन का पूरा एकदम राउंड बना देता हूँ। तो यार ये देखो पूरे एंट्रेंस में मैंने एक टनल बना लिया ऑब्सीडियन का, और इसके अंदर ना मैं यहाँ पे भर के लगाने वाला हूँ माइंस मेरे पास जितना भी है, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव में है। और अगर मेयर ने हमको क्रिएटिव में डाला है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि क्या पता भाई इस बार म्यूटेंट वाले ना आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं जल्दी से पूरे
यहाँ पे भर भर के लगा देता हूँ पूरे TNTs और यहाँ से वो लोग आएंगे और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पे घुसेंगे। और राहुल ये क्या बना दिया तूने यार, तूने यहाँ पे पानी क्यों डाल दिया है? अरे भाई ये ना कोई नॉर्मल पानी नहीं है भाई, ये फेक वाटर। और जब भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज आएंगे तो भाई उनको बहुत गंदा लग डैमेज होगा। अच्छा है भाई, पूरे ज़ॉम्बी उसके बाद यहाँ पे घुसेंगे, क्या हुआ? ये देख अभी एक चीज दिखा तो, ये देख यहाँ पे अभी मैं एक ज़ॉम्बी को स्पॉन कर रहा हूँ और देख क्या मरेंगे वो लोग यहाँ पे यार। बहुत जल्दी मर गया यार, ये तूने सही चीज बनाया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म बना दे हमारे भागने के लिए, मतलब मैं खुद ही बना देता हूँ। और यहाँ से ना एक एलिवेटर टाइप बना देते हैं जहाँ से हम लोग ऐसा ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद एक सेकंड लेयर बनाता हूँ जहाँ से ज़ॉम्बी आएंगे ऊपर और फिर उसके बाद हम लोग सेकंड लेयर में ना सोच रहा हूँ एक बहुत अच्छे से सेंट्रीज भर देते हैं। यार एक काम करता हूँ, अब ये वाला फ्लोर यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसके अंदर ही सेकंड वाला, तो इसको जल्दी से बनाते हैं और फिर उसके बाद मैं सेंट्रीज भर दूंगा यहाँ पे। चलो यार ये वाला फ्लोर तो मैंने बना दिया और यहाँ पे एक एलिवेटर भी बना दिया, एक नहीं दो बना दिया जहाँ से हम लोग ऊपर आ जाएंगे और थोड़े बहुत ज़ॉम्बी भी आएंगे। और जो थोड़े बहुत ज़ॉम्बी आएंगे ना उनके लिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ बना रहा हूँ एक, क्योंकि एक ऐसा कवर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि वो लोग सिर्फ सामने की तरफ आए। और सामने मैं लगाने वाला हूँ बहुत सारे लेजर्स और इसके ऊपर में ना मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में सेंट्रीज लगा दूंगा इस तरीके से कि वो लोग जैसे यहाँ से निकलेंगे ना वैसे उनको सेंट्रीज मारना चालू कर देंगे तो उनको बहुत डैमेज होगा। और एक मिनट मैं नीचे जाता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ से यार यहाँ से जा नहीं सकता और उसको तोड़ के जाता हूँ। यहाँ पे जब ये लोग डैमेज खाते रहेंगे ना तो मैं सोच रहा हूँ ये जो एरिया यहाँ का बाकी है ना यहाँ पे पूरे सेंट्रीज भर देता हूँ। भाई वो लोग पागल हो जाएंगे इतने सेंट्री उनको यहाँ पे मारने वाले हैं यार, उनको समझेगा नहीं वैसे ही दिमाग से कमजोर रहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मेयर इस बार थोड़े और बड़े मॉब्स भी भेजे, क्या पता भाई ज़ॉम्बी के अलावा भी कोई आ जा रहा है, क्योंकि यार मुझे लग रहा है उसने अगर हमको क्रिएटिव में रहने का मौका दिया है ना तो यार वो कुछ तो बड़ा सोच रहा होगा। इसलिए चलो जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ और ऊपर एक एरिया बनाता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं लेजर कैसे लगाने वाला हूँ। इसको मैं पैक करता हूँ और थोड़ा बहुत एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऑक्सीडेंट उठा लेता हूँ मैं, ऑक्सीडेंट से ये वाला एरिया बनाऊंगा मैं अभी। यार ये देखो यहाँ पे मैंने अपना पूरा बिल्ड बना लिया है और इसके आगे भाई ज़ॉम्बी आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि यार उनके पास इतना दिमाग होता ही नहीं है। वो लोग जैसे यहाँ से ऊपर आएंगे ना सबसे पहले ये चार सेंट्री उनको मारने वाले हैं और उसके बाद ये लोग आएंगे आगे, भाई आधे तो इधर ही डैमेज हो जाएंगे। और ये जगह मैं बना रहा हूँ हमारे सेफ्टी के लिए। और यार इस बार मैंने ज्यादा बड़ा बिल्ड बनाया नहीं है क्योंकि यार हर बार हम लोग सेकंड वाले बिल्ड में ना बहुत सारी चीजें बनाते हैं और इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा बना दिया है। यार देखते हैं लेकिन क्या होता है, मैं डरने वालों में से हूँ नहीं वैसे भी। तो एक काम करता हूँ अभी यहाँ पे पूरे फैंस लगा देता हूँ मैं जो कि यार उनकी स्पीड कम कर देंगे, और राहुल जैसे ही आएगा ना वैसे ही मैं बोल दूंगा उसको इसकी वायरिंग करने के लिए क्योंकि यार उसने वायर लगाने में मास्टरी कर लिया अभी, तो बहुत अच्छे से आता है उसको रेडस्टोन लगाना। और उसके बाद ये हमारा ना एक अच्छे कवर का भी काम करेगा क्योंकि यार हमको जो भी बंदूक मिलेगी ना मेयर के पास से तो हम लोग उससे यहाँ से डायरेक्ट मार सकते हैं इन लोगों को एकदम यहीं से। तो यार बहुत ज्यादा सही हो गया, चलो हमारा ये वाला बिल्ड भी हो चुका है। तो अब जल्दी से चलता हूँ लास्ट वाले बिल्ड पे। और यार बहुत देर से मैंने डैश और राहुल को देखा नहीं यार, ये लोग है किधर यार, तुम लोग किधर गए भाई? एक काम करता हूँ नीचे चलता हूँ, और ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे मुझे नहीं समझ रहा है यार, कहीं दिख ही नहीं रहे भाई, ये लोग भाग तो नहीं गए यार, बाहर कुछ काम हुआ है क्या? यहाँ भी तो कुछ काम नहीं हुआ है यार, तो ये लोग गए किधर फिर? ये लोग डर के भाग चुके हैं शायद यार, अब मुझे नहीं समझ रहा है ये लोग किधर गए। लेकिन लास्ट वाला बिल्ड तो सबसे बड़ा होता है भाई, इसको मैं अकेले कैसे बनाऊंगा? यार ये दोनों डर के भाग चुके हैं, मुझे पता नहीं कि ये लोग आएंगे कि नहीं, शायद ये लोग फाइट करने आए। लेकिन यार अब अगला वाला बिल्ड मुझे अकेले बनाना पड़ेगा और वहाँ पे तो कुछ सामान भी नहीं है यार, देखता हूँ कि मुझे क्या करना है अब। शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग कुछ अच्छा आर्मर लेने गए हो, लेकिन यार मुझे बताना तो चाहिए था, अब ये लोग गए किधर मुझे नहीं पता है यार, डर के भाग चुके हैं। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भाई थर्ड वाला बिल्ड बनाने के लिए, और ये सेकंड वाले बिल्ड को हमको यही छोड़ना पड़ेगा। और थर्ड वाला बिल्ड तुम देखो यार मैं कितना बड़ा हमारा अर्थ बनाता हूँ अभी। चलो यार जल्दी से चलता हूँ ये वाले साइड में, और एक मिनट यहाँ पे तो कोई चेस्ट वेस्ट मतलब कुछ भी नहीं है यार, मुझे यहाँ पे करना क्या है यार, मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ जल्दी से वाली स्टिक उठाता हूँ और यहाँ पे अभी सबसे बड़ा यहाँ पे मैं अर्थ बनाने वाला हूँ। अर्थ बनाऊँ कि सन बनाऊँ मैं सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ यार क्या बनाता हूँ मैं। थोड़ा दूर जाता हूँ मैं, कम से कम ये बहुत ज्यादा बड़े ब्लॉक का होने वाला है। चलो यार इसको मैं यहाँ से लगाता हूँ और यहाँ पे रुको मैं अभी डालता हूँ कमांड, और ये देखो यार मैंने कमांड डाल दिया और एंटर दबाता हूँ, और ये देखो भाई हमारा अर्थ बन गया कितना बड़ा है। रुक जाओ जल्दी से मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कितना बड़ा हो गया साइज में। यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और भाई क्या हो गया ये सेकंड वाला देखो, और भाई इसको देखो यार ये क्या है, और इसके नीचे कितने लोग आ रहे हैं। शायद मैंने इसको गलत पेस्ट कर दिया है, मुझे थोड़ा नीचे करना चाहिए। रुक जाओ यार इसको जल्दी से हटा के वापस से थोड़ा नीचे पेस्ट करता हूँ। यार ये देखो ये हमारा अर्थ बन चुका है और यहाँ से मैं ऊपर जाने का रास्ता बना रहा हूँ। और ये देखो यार अंदर से कितनी सारी जगह मिली है, और इसके अंदर ना मैं सीधा बेडरॉक का भाई पूरा एरिया बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीढ़ी बना देता हूँ और यार इसको उठाता हूँ मैं। और अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे डैश और राहुल दोनों का कॉल आया था, डैश गया है भाई बहुत अच्छी अच्छी सी बंदूक लेने के लिए और राहुल गया है आर्मर लाने के लिए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा अच्छी बात है हम लोग बच जाएंगे उसके बदौलत। और यहाँ पे हमने अभी बिल्ड थोड़ा सा भी किया ना तो भी यार बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा आर्मर होने वाला है यार, उन लोगों ने अपनी पूरी कमाई लगा दी है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी उठाता हूँ बेडरॉक और यहाँ से हम लोग सीधा बेडरॉक का काम चालू करते हैं भाई, यही से लगाना स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पे तुम लोग देखना यार कितना ज्यादा ब्लास्ट वास्ट करने वाला हूँ मैं हर चीज, इसलिए मैं सीधा बेडरॉक यूज कर रहा हूँ। भाई हम जब क्रिएटिव में जा सकते तो हमको तो बेडरॉक ही लगाना चाहिए।
चाहिए ना, ये तो सीधी सी बात है। तो चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ इसका, और फिर उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। यार ये हमारा फर्स्ट वाला एरिया है, तो मैं सोच रहा हूँ ना ये वाले एरिया को सिर्फ हम लोग एक फाइटिंग जोन बनाने वाले हैं, जिससे यार मैं इन लोग की ना यहाँ पे स्पीड कम कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हनी कॉम लगा देता हूँ यहाँ पे पूरा, यार इससे ये लोग पूरे धीरे हो जाएंगे। और फायदा हमको क्या होगा ना कि हम लोग बंदूक से मार पाएंगे, हमारे पास भाई लॉन्चर वॉन्चर सब होने वाला है, तो ये बेडरॉक की जगह ना फूटेगी नहीं यार, ये हमारा बहुत फायदे की चीज रहेगी। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जो ऊपर का एरिया खाली है ना, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ सेंट्रीज, भाई ये भी हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। और ये देखो यार इन्हें तो अपना काम भी चालू कर दिया ये छोटे मोटे मॉब के ऊपर। चलो इसको मैं यहाँ पे हर जगह लगाता हूँ, भाई कम से कम 1000 ज़ॉम्बी तो मैं यही मारने वाला हूँ, क्योंकि यार मेयर ना कम से कम यहाँ पे 1,00,000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज लाने वाला है। चलो यार यहाँ पे दो लेयर और बना देता हूँ इसकी, और फिर उसके बाद यहाँ पे दो लेयर और लगा देता हूँ वेब की। यहाँ से हम लोग तो भाग लेंगे, क्योंकि यार मैं यहाँ पे बीच में एक रास्ता छोड़ने वाला हूँ हमारे लिए, बस एक ही का, यहाँ से हम तीनों निकल जाएंगे। और यार वो जो पूरे मॉब्स है ना, उन लोगों के पास इतना दिमाग है नहीं, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। तो जल्दी से मैं इसको लगाता हूँ, और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे थोड़ा सीढ़ी बनाने वाला हूँ, और यहाँ से हम लोग जाएंगे ये वाले साइड में, फिर हमारा बेस बनेगा इधर में, और फिर उसके बाद हम लोग ऐसा राउंड करते 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 एकदम टॉप पेज बनाने वाला हूँ मैं हर चीज। और देखना यार इतना घुमाऊंगा अगर मैं उन लोगों का ना, तो उन लोग वैसे ही आते तो थक के मर जाएंगे यार। यार एक काम करता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करता हूँ अभी, सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक साथ, और उसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं लगाने क्या क्या वाला हूँ। यार ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा सिस्टम बना लिया है यार, ऐसे गोल गोल घुमा के ना वहाँ पे मैंने एंड रखा है। और ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं खाली छोड़ने वाला हूँ ये पूरा हमारा घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए नहीं भाई, वो लोग यहाँ से जैसे चढ़ेंगे ना, तो इतना एरिया हमारे स्पेस भागने के लिए रहेगा, तो हम लोग यहाँ से बंदूकों से मार पाएंगे पूरे ज़ॉम्बीज़ को। और यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग चीज, क्योंकि यार मैं तुमको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इधर का ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ फेंस, और उसी के साथ साथ सबसे पहले मुझे फेंस थोड़ा देख देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी भागने का रास्ता आना चाहिए, तो यार मुझे इसको इस टाइप से लगा देना चाहिए। और बीच बीच में ना मैं ये कांटे वाले फेंस भी यूज करने वाला हूँ, इससे भी कुछ ज्यादा ही डैमेज पड़ता है। और ये वाला तो तुमको पता ही होगा कि ये इसमें भाई इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है बहुत तेजी से। और यहाँ पे जो हाफ रास्ता है ना, ये साइड में मैं लगाने वाला हूँ पूरे माइंस, तो यहाँ से हम लोग तो अच्छे से भाग के आ जाएंगे, क्योंकि हमको डैमेज नहीं करता है इंसानों को, जैसे ही ज़ॉम्बी इसको छुएंगे ना तो ये फूट जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से भागते भागते हम लोग को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जहाँ पे हम लोग खड़े होकर गोली चला पाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इनको बहुत सारे मार देंगे। और यार कम से कम 2-3 लाख और ज़ॉम्बीज आने वाले हैं, तो उनमें से कम 20% तो यहाँ मर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं बीच बीच में ऐसे होल करने वाला हूँ, और यहाँ पे वैसे हमको पता रहेगा कि यहाँ पे गड्ढा कहाँ पे है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैजिक वाले ब्लॉक्स। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा होल कर देता हूँ, और उसके बाद ना एक चीज हमारे नेविगेशन के लिए यहाँ पे लगा दूंगा एक एक छोटा छोटा मार्क, जिससे हमको पता चल जाएगा कि भाई असली वाला रास्ता है किधर से। और ये जो पूरे पगले ज़ॉम्बीज है ना, वो लोग यहाँ पे गिर के मर जाएंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा तोड़ देता हूँ मैं। और उसके बाद सबसे पहले उठा लेता हूँ एक रेड स्टोन, तो यार रेड स्टोन तो मैंने उठा लिया है, और यहाँ से मैं मार्किंग चालू कर देता हूँ, ये वाला जो रास्ता है ना वो रियल रहेगा, तो चलो हमको कम से कम पता रहेगा। और ज़ॉम्बीज़ को तो भाई वैसे दिमाग से कुछ रहता नहीं है उनके पास, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, तो मैं जल्दी सबसे पहले इसको लगाता हूँ। और यार बस ये वाला एरिया बाकी है, इसको मैं जल्दी से पूरा इससे भर देता हूँ। और अभी इसके बाद जैसे ही कोई भी यहाँ से गिरेगा ना, तो यार वो यहाँ से गिर के भाई फॉल डैमेज तो ले लेगा भाई, कुछ तो मर भी जाएंगे और कुछ फॉल डैमेज लेंगे। तो जल्दी से ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा बेस है ना, वो शायद पूरा बन चुका है। यार फ्लिप जल्दी बाहर आ यार, क्या कर रहा है तू? अरे डैश, अबे तू कहाँ से आ गया यार, तू चला किधर गया था? रुक जाओ यार, सबसे पहले हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर जाके बात करते हैं। डैश जल्दी उड़ते हुए इधर आ यार, ये पकड़, यहाँ पे तू पूरे फेंस लगा दे। और तू गया किधर था वैसे? यार मैं बहुत दूर गया था यार, हर जगह गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। यार मतलब क्यों, तूने मांगा नहीं किसी से बंदूक? अरे यार मेयर की बहुत ज्यादा पहुंच है भाई, चीफ मिनिस्टर से लेके पीएम तक पहुंच है उसकी, भाई सबको मना कर दिया उसने कि हमको बंदूक नहीं देने के लिए। यार क्या बात कर रहे हैं, और राहुल किधर है यार? राहुल भी गायब हो गया था यार, तुम दोनों ने बिना बताए मुझे कहां चले गए? और मैंने इतना बड़ा देख स्ट्रक्चर बना लिया खुद से, और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें बाकी, और तू जल्दी से यहाँ पे फेंस लगा ले, तब तक मैं राहुल को कॉल करता हूँ। वैसे थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी और वो भी आ ही रहा है, तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। यार देखो यहाँ का भी एरिया बन चुका है, और यहाँ पे यार सब चीज सही हो चुकी है अब। अरे फ्लिक तू है कहाँ पे? अरे बाहर है यार। अरे यार डैश ये भी आ गया, और तू गया किधर था यार? और तेरे हाथ में बंदूक है, तू बंदूक लेके आया क्या? अरे हाँ यार भाई, और कुछ तो मिल नहीं पाया यार। अरे भाई मेयर ने ना भाई हर किसी को बोल के रखा है कि भाई हम लोग को कुछ भी हथियार वथियार हमको नहीं मिलने चाहिए यार, लगता है इस पंचायत ने मना कर दिया। वही तो यार। और यार भाई बाहर में तो भाई पूरे ज़ॉम्बीज़ है, देख एक बारी। यार वो ज़ॉम्बी लेके आ चुका है, अब जल्दी शायद हमको जाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। यार डैश जल्दी आ जा नीचे। अरे हम लोग यहाँ पहुंच गए, और एक मिनट अभी सर्वाइवल में कैसे आ गया? बाहर तो देख भाई, बाहर देख यार, सर्वाइवल में आना ही है, सब कुछ मेयर का है भाई। मेयर कुछ भी कर रहा है भाई, कैसी कोडिंग किया है उसने, और ये सब राक्षस भी आ गए, और ये चेस्ट के अंदर क्या है? अरे चलो यार एक बंदूक तो दिया आखिरकार इसने खुद से, चलो इसको मैं लेता हूँ, और गोल्डन एप्पल अभी खा लेते हैं। और यार आने दो इन लोगों को भाई, वही तो शेरिफ मिल गई है, और अंदर आ जाओ। और यार ये इसका मेयर का साइन बनाया हमने यार, इससे मेयर तो खुश हो जाना चाहिए। तो चलो यार वेट करते इनके आने का, और देखते हैं यार ये लोग कब छूटने वाले हैं यार। लेकिन हर बार ये टाइप की ज़ॉम्बी क्यों आते हैं? ओ भाई बाहर आ गए भाई, लगाई था मुझे। आने दे यार, बच्चे को मारो पहले यार, एक शॉट में सब मार रहे हैं। अबे यार लेकिन गोली तो लगी नहीं रही है भाई, थोड़ी सी गोली है सिर्फ। यार मारो यार, ये एप्पल खाना पड़ेगा।
जाएंगे यार। मारो तुम लोग, देख के यार मेरे ऊपर गोली मत चला देना। और चलो एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लोग को अंदर लेके चलता हूँ मैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। अंदर अंदर मत ले चल यार, रुक जा। अरे तू देख अभी, अभी तू देख, बड़ो अंदर लेके चल 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 भाई अंदर। अरे आ जाओ भाई, मैं तो जान बूझ के दबा रहा हूँ। तूने क्यों रखा? अरे आने देना इन लोग को अंदर, अभी देखना क्या मरेंगे लोग। चल भागो यहाँ से, हम लोग भाग जाते हैं। ओ भाई, ओ भाई भाई, क्या ब्लास्ट हुआ है। बचाऊ मैं, लेकिन अभी तो बच गए, लेकिन ज़ॉम्बी तो बचे, लेकिन इनको हम लोग मार सकते ऊपर से। अबे यार मेरी तो गोली खत्म हो गई, लेकिन यार मेरे पास एक नई बंदूक है, रुक जा कि तुम्हें मालूम नहीं चलेगा। यार तूने बंदूक लाया तो छुपाया क्यों था? इन सबको मार यार, इस बार हम लोग पहले वाले पार्ट में ही जीत जाएंगे शायद। यार इतने बच्चों ऐसे ज़ॉम्बी भेजा उसने, तो हमको क्रिएटिव में क्यों डाला था? मुझे नहीं पता, मेरी तो गोली खत्म हो चुकी है, किसी का एमो है क्या? यार यार तू काम कर, तू अभी यहाँ पे रख भाई गन। और बस भाई ये था भाई आखिरी वाला गन यार, मारे इनको। सब लोग मर तो रहे हैं यार, इन सबको मारते हैं, शायद हम लोग जीतने वाले हैं पहला राउंड। लेकिन मेरे पास हार्ट बहुत कम है। और अरे भाई नहीं यार, डैश बहुत सही काम कर रहा है भाई, ये तो मर गया, गिर के बाद मर गया यार। यार हम दोनों जिंदा है डैश, कैसे भी इनको मारने का ट्राई करते हैं यार। यार गोली नहीं है मेरे पास, इसने गोली कम दी, नहीं तो हम लोग इनको आसानी से मार सकते थे। अब क्या करेंगे यार? मैं तो सोच रहा हूँ 360 करने जा रहा हूँ मैं। अबे ये कौन सी बंदूक ला लिया भाई? खत्म भाई, तू भी मरने वाला है शायद। जो मैं कूद के देखता हूँ, यार दोनों मर गए क्या भाई? मैं भी मर गया यार। तो चलो हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे, अब हम लोग जाएंगे सेकंड वाले पार्ट में। लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी शायद खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन हम लोग पहले मर गए तो हम लोग हार चुके हैं यार। यार पहले राउंड हार गए हम लोग, छी भाई। और यहाँ पे सिर्फ मेयर का साइन बचा है। अब एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं सेकंड वाले पार्ट में, और वहाँ पे देखते हैं यार कौन जीत पाता है। वहाँ के भी ज़ॉम्बी आए कि नहीं? यार आते ही होंगे यार, लेकिन मेयर के साइन का टोपा बचा है यार। जाने दे हमको, क्या करना है, हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। और राहुल अभी तक आया नहीं यार, राहुल को भी आने दो सबसे पहले। अरे यार ये फालतू में डैमेज दे रहा, मारो इसको। और यार बाहर आओ यार, ओ भाई कितने ज्यादा ज़ॉम्बी आ चुके इस बारी। ओ चेस्ट भी आ गया यार, जल्दी देख। अरे भाई चेस्ट आ चुका है यार, चेस्ट भी आ चुका है। क्या मिला है? ओ भाई यहाँ पे तो गोल्डन एप्पल है, बाइजन गोल्डन एप्पल और आर्मर मिल गया यार, ये सही चीज हुई ना। और 10 गोल्डन एप्पल दिया, शायद ये वाली वेव कुछ ज्यादा ही बड़ी होने वाली है। तो एक काम करते हैं, आ जाओ यार वेट करते हैं इन लोगों का। और मैंने बंदूक रख लिया है, और तुम लोग देख के चलना यार, शायद ऐसा हो सकता है कि एक दो माइन गलत निकले तो वो फूट सकते हैं हमारे ऊपर भी। और यार ये तो आ गए यार, इनको मारना चाहिए। बच्चों को आंदे भाई, ज्यादा नहीं है। और यार मुझे डैमेज देना भी चालू कर दिया, रुक जाओ मुझे खाना पड़ेगा सबसे पहले गोल्डन एप्पल। और ये क्या हो गया है यार, मुझे गोली दो जल्दी, कोई गोली निकाल के दो। गोली नहीं मिलेगी यार, मैं तो जा रहा हूँ अंदर, इनको फूटने दो भाई। भाई ये खुद फूटेंगे, आने दे सबको अंदर। भाई गए ये लोग। और तू ऊपर कैसे चढ़ गया भाई? चढ़ सकते हैं यार, सीढ़ी थी बाजू में। भाई ये देख अब कितने सारे मर गए। रुक जाओ मैं गोली चलाता हूँ यहाँ पे। और गोली यार इधर आ गए सब लोग, फ्लिक आगे बढ़ तू इधर। भाई मैं जा रहा हूँ, एक मिनट फूटने दे यार। भाई सब तो इधर ही खत्म हो जा रहे फर्स्ट स्टेज में। भाई माइन इतनी ज्यादा खतरनाक है। और ये देख यार क्या हालत हो गई इनकी यार, यहाँ पे देख किस तरीके से अंदर आ रहे यार। मुझे कोई जल्दी से एमोस फेंको, जल्दी निकालो भाई, मैं मारता हूँ। एमोस तुझे अंदर मिलेंगे यार, इधर कितने सारे यार, बाकी तो बाहर भाग गए थे यार। ठीक है इनको आन दे, ये ब्लास्ट होने वाला है भाई। ये देखो यार कितने मर गए और बाहर कितने बाकी हैं। और बहुत है भाई बाहर, 50-60 हजार है। एक काम करता हूँ, गोल्डन एप्पल खाता हूँ और बाहर चलता हूँ यार, कूद कूद के। और तुम्हारे पास और बे भाई ये क्या, इधर तो कचरा है यार, भागना पड़ेगा यार। फालतू में बाहर आ गया और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है यार, जल्दी बचाओ मुझे भाई। कितने सारे यार, इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज कैसे इधर। रुक जाओ अभी मैं इन लोग को अंदर लेके जाने वाला हूँ। भाई पकड़ो भाई, पीछा करो बस तुम लोग मेरा। ये देखो यार इन लोग को फंसा लिया, सब दिमाग से पागल है। अभी देखना क्या हालत होने वाली है इनकी। आ जाओ भाई अंदर, अभी देखो यार ये क्या ब्लास्ट हुआ गजब का। और ये देखो यार के अच्छे से मर रहे हैं सब लोग। तो चलो यार अब जल्दी से अंदर भागने की बारी आ चुकी है, क्योंकि हमारा पहला वाला जो लेवल था वो खराब हो चुका है। और एक काम कर डैश, जल्दी ऊपर आ जाए यहाँ से। चल यार मैं जा रहा हूँ ऊपर। यार मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, उनको आने दे। आने दे यार, हम लोग सेकंड लेवल पे पहुंच गए। और यहाँ पे जो हमारा एरिया है ना, यहाँ से हम लोग बंदूक खड़े होकर मारेंगे। और मैंने ना यहाँ पे एक कैमरा लगाया था, जल्दी से देखता हूँ इनकी क्या हालत हो रही है नीचे। यार यहाँ पे रुक जाओ, मैं पहला वाला कैमरा खोल के देखता हूँ। और राहुल क्या कर रहा है तू उधर, जल्दी भाग के अंदर आ यार। अरे यार भाई मैं तो यहाँ पे बहुत गंदे में एकदम फंस चुका हूँ यार, रुके काम कर, तो खुद खुदता हूँ। ओ भाई एक मिनट भाई, अभी ये क्या है तेरे पीछे? अरे आओ भाई आ जाओ। ओ भाई कितने यहाँ पे यार, ये तूने सही किया। और भाई ये देखो क्या हालत हो गई यार, राहुल तूने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज इधर ही बाहर मरने वाले हैं। और ये देखो ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, सब इधर ही मर जाएंगे यार, सही हुआ। और एक काम करता हूँ, जल्दी सेकंड वाला कैमरा देखते हैं। और अभी तक यहाँ तो कोई नहीं आया, और शायद अंदर घुसने वाले हैं। राहुल जल्दी से तू सेकंड फ्लोर में आ जा। रुक रुक बस आया लेके। अरे यार घुस गए भाई सब अंदर, रुक जाओ। और दूसरा वाला कैमरा खोलता हूँ। और यार ये देख अब भाई कोई अंदर ही नहीं आ पा रहा है भाई, स्टार्टिंग में मर जा रहे हैं, हमारे सेंट्री पूरे खोल चुके हैं। और ये देखो यार इनकी क्या हालत हो गई यार, सब खत्म हो गए, खुद से ही खत्म हो जा रहे हैं यार। ये तो शायद सेकंड वाले स्टेज में कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। काम करो यार जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, चलो नीचे चल के देखते हैं भाई इनकी हालत। और मैंने रीलोड कर लिया है अभी, जल्दी से यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ। यार मैं नीचे आ चुका हूँ, हमारी दो सेंट्री टूट चुकी है, लेकिन ये तो अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं, उनका वेव खत्म होने वाला है। यार आगे जाता हूँ मैं। अरे भाई तो मुझे भी डैमेज पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ेगा। और भाई सब तो स्टार्टिंग में मर गए, सेकंड फ्लोर में कोई जा ही नहीं पाया यार, क्या खतरनाक बेस बनाया हम लोगों ने यार। मारो सेकंड राउंड जीत गए हम लोग भाई, आखिरकार हरा दिया भाई, मशीन से ही जीत गए हम लोग यार। तो दो मिनट रुकने के बाद यहाँ पे सब ठंडा हो चुका है भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं, खुद ही जीत गए हम लोग ये पानी से यार। बहुत अच्छा आइडिया था जिसका भी था। तो चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, और चलते हैं थर्ड वाले लेवल पे। और अभी तक थर्ड
यार सही किया तूने, और जल्दी से आ जाओ यार इधर, और यहाँ पे अभी तक कुछ स्पॉन नहीं हुआ है तो जल्दी से हम लोग उधर जाके खड़े हो जाते हैं। आ जाओ यार, तो यहाँ पे पूरे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, और भाई ये कितने ज्यादा है, लैग कर रहा है मेरा गेम भाई। लगता है 1-2 करोड़ है यार। मैं बोल रहा था ना यहाँ पे कम से कम 1 लाख आने वाले हैं, तो रुक जाओ इस बार क्या मिला। ओ भाई ये क्या है यार, खतरनाक चीजें मिल गई, खतरनाक यार। नेदरराइट दिया है भाई, कम से कम 10 वेव तो आने वाली है शायद इधर, तो जल्दी आओ यार। तुम लोग रेडी हो कि इधर सामने खड़े हो जाते हैं और देखते ये लोग कब आने वाले हैं। भाई ये लोग आ गए यार, कितने जल्दी। ओ भाई यार आर्मर पहन ले तू, और यार तूने ग्रेनेड कहां से ला दिया। यार मेरे पास ग्रेनेड है यार, मैं जानता था एक। भाई ये तो हमारे पास आ रहे हैं, रुक जाओ इसको मैं मारता हूँ। और भाई भाई अबे वो देख बाजू से क्या बॉम्ब, ये कुत्तों को मार रहा हूँ, कुत्तों के बच्चे को मार रहा हूँ। भाई भाई क्या था ये यार, मारो सबको मारो यार, गोली खत्म हो गई, मुझे भागना पड़ेगा अंदर यार। गोल्डन एप्पल किधर है, भाग यार, बच्चों को मारो पहले। रुक जाओ मैं रीलोड करता हूँ यार, मुझे कोई एमो निकाल दो भाई, मैं ग्रेनेड यहाँ पे यार, मुझे बंदूक दो जल्दी भाई, मिनी गन दे कोई, एक ले ले मिनी गन। रुक जाओ यार मैं मारता हूँ यार, मिल गया मुझे, यार मारो। अरे अंदर आओ, यहाँ पे मैंने रास्ता बनाया अच्छे से यार, ये लोग खुद ही लड़ लेंगे इससे। भाई खुद ही फंसने वाले, मैं मार रहा हूँ सबको। और देखो सेंट्रीज यार, ये तो अकेली काम कर रहे भाई। ओ भाई भाई क्या ब्लास्ट था ये, गजब का यार, बहुत सही है। सब इधर ही खत्म होने वाले, देखो यार कोई आगे ही नहीं आ पा रहा है भाई, इनके अंदर बहुत ज्यादा दम है। डैश ये देख भाई, ये लोग सामने आ रहे हैं फिर भी बच बच के। यार कोई बात नहीं, इन लोगों को मैं मारता हूँ, जितनी गोली है ना मैं सब खत्म कर देता हूँ। और ये क्या था, मार दिया तूने यार, सबको मार दिया तूने भाई, वेव खत्म हो गई यार। एक मिनट, इतने जल्दी नहीं हो सकता यार। यार आ रहा है यार, ये एक्सपी देखो यहाँ पे, रुक जाओ मुझे भागना चाहिए यहाँ से। और यार बहुत सही, क्या अटैक हो रहा है इनके ऊपर यार। एक मिनट, यहाँ तो सब खत्म हो चुके हैं, और अच्छा है तुम लोगों ने यहाँ से पैक कर दिया है, यहाँ तो कोई नहीं आने वाला है। जितने बाकी इन सबको मारते हैं, और शायद हम लोग भाई जीत चुके हैं यहाँ पे। अबे ये क्या हो गया, ये कहाँ से यहाँ पे, देखे कोई है वो, ये कैसे आए भाई, भाई बीच में स्पॉन हो गए यार। मैं अटक गया हूँ, मुझे बचाओ जल्दी से भाई, रुक जाओ यार, से भागना पड़ेगा यार। बहुत सही तोप मारो, मैं गोल्डन एप्पल खा रहा हूँ यार, बहुत सही यार। लेकिन आए किधर से, एकदम से बीच बीच में से कहाँ से स्पॉन हो जा रहे हैं यार। लॉजिक ढूंढ रहा है, तो कैसे भी आ सकते हैं लोग यार, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से ऊपर। रुक जाओ यार, ये लोग कहीं से भी आ रहे हैं, शायद हमको आगे जाके वेट करना चाहिए यार। मेरे पास आ जाओ यार, यहाँ से ये लोग आगे आएंगे ना, अब तो इनके ऊपर अच्छा डैमेज होने वाला है यार। मेयर खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है वो। और डैश नीचे उतर, उधर क्या रहे भाई, वो देखो यार सब आने वाले हैं शायद। रुक जाओ थोड़ा वेट करता हूँ इनके आने का मैं। अरे भाई आए यार, भाई वो तो कूद के आ गए, भाई कूद कूद के कैसे आ रहे हैं, ज़ॉम्बी का दिमाग आ गया भाई। फेंको, मारो इन सब कुछ यार, ये लोग हमारे ऊपर आ चुके हैं भाई। पहला वेव तो हमने खत्म कर दिया था, वापस कहाँ से आ गए ये लोग। चलो हमको आगे जाना चाहिए, आप पता यार, चल 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 भाई, ये रास्ते से भाग जल्दी, ये रास्ता मैंने बनाया। इन लोग के पास इतना दिमाग कहाँ से आ गया, ये तो हमारे यार इन लोग का आईक्यू बढ़ चुका है भाई। यार भाई सब लोग तो लाइन से आ रहे हैं भाई, ये प्लान फेल हो गया मेरा पूरा। और कुछ कुछ तो गिर रहे वैसे, लेकिन मारो मारो यार, जितना मार सकते यार। ज़ॉम्बी पढ़े लिखे वही तो यार, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे निकल गए यार। इनका ये लास्ट वाला वेव भी शायद खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते भाई, ये लास्ट है कि नहीं भाई। आए जा रहे नॉन स्टॉप, कम से कम 3,000-4,000 ज़ॉम्बी तो हमने मार दिया यहाँ पे, और खत्म हो गया। अच्छा 1 लाख से ज्यादा खत्म हो गए क्या यार। यहाँ पे तो मैं चढ़ गया हूँ, और इन लोगों ने ये भाई ये वाले साइड से तो हमारा पूरा अर्थ तोड़ दिए। और ये क्या इधर भाई, कचरा चालू है, और इन लोग को यहाँ से लोग मार नहीं पाएंगे। और यहाँ पे नीचे में इतने सारे पड़े हैं, रुक जाओ मैं वो साइड में जाके देखता हूँ यार, ये कोना है बाकी है। तो हमको हर साइड से घेर लिया है, वही तो यहाँ पे यार, हमको थोड़ा और बनाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग भाग गए थे इसलिए मैं बना नहीं पाया। अरे भाई, अरे नहीं भाई, डैश मरने वाला है शायद। और यहाँ पे भी अभी ज़ॉम्बी बाकी है, रुक जाओ डैश को बचाने के लिए जाना पड़ेगा भाई, सबको मारते हैं। और ये क्या था हमारा, ये रुक जाओ मारने का ट्राई करते हैं, अगर हो गया भाई मर गए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मरे तो कुछ नहीं कर सकते। और मुझे समझ ही नहीं रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे यार। घुस गया हूँ मैं इन सबको मारने के लिए यार, गोली चलाओ सब लोग भाई, मैं गया भाई, मैं मरने वाला, गोली खत्म हो गई यार। डैश मर चुका है, और सब मर गए क्या। ओ भाई भाई खत्म यार सब कुछ। और एक मिनट, सुबह हो चुकी है, और यार राहुल बचा है क्या भाई, राहुल शायद अभी नहीं, तक नहीं, रहा है। राहुल को तो ले गए ज़ॉम्बी पकड़ के यार, सब कुछ खत्म हो चुका है शायद यार। हम लोग फाइनल स्टेज कैसे हार गए यार, ये तो कभी हारते नहीं थे हम लोग, इस बार पहली बार बच गया भाई, मैं बच गया। राहुल बच चुका है, ज़ॉम्बी थे यार भाई, हो ही नहीं सकता कि तू बच गया है। लेकिन यार तुम लोग बताओ, हम लोग बचे कि नहीं, और ये पार्ट जीता कौन है, वो तो अगले वीडियो में मेयर हमको बताएगा कि हम लोग जीते हैं कि हारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद हार चुके हैं। लेकिन अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय।